हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ अलग है। तो आज कोई हेयर स्टाइल बना के नहीं दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि हेयर में, जैसे कि हेयर कम हो जाते हैं ना, या कम नहीं भी होते, लोग फैशन के लिए ही लगा लेते हैं, तो हेयर विग लगाना बताएंगे कि किस तरह से लगाना है। और आप मेरे हेयर देख सकते हो, थोड़ा सा स्टाइल में आगे रखा हुआ है। तो ये देख सकते हो आप कितने रूखे सूखे से लग रहे हैं, क्योंकि ये रियलिटी ही इनकी यही है। और स्ट्रेटनिंग नहीं की है, क्योंकि अभी आप पहले देख चुके होंगे मेरा एक वीडियो आया था, उसमें हेयर स्ट्रेटनिंग करके मैंने लगा के दिखाया था। तो इसलिए मैं बार बार स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे ही खराब और ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आज मैं हेयर जो है तो अपनी बेटी के सर पर लगा के दिखाऊंगी। और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा इसका लुक लग रहा है। और ये मेरी बेटी है, हाय करो। हाय। तो चलिए इसी के सर में लगा के दिखाती हूँ, और अभी आप देख सकते हो इसका लुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय, ये मेरा बेटा है, बहुत बदमाश है, बिना बदमाशी करे नहीं रह सकता है, लेकिन हाय कर रहा है आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अभी आपने देखा था कि इसका लुक कुछ अलग दिख रहा था, लेकिन अब अलग है, क्योंकि इसके आगे के हेयर नहीं कटे हैं, वो मैंने इसके बैंग हेयर लगा रखे थे। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से लगाना है इसको। और वो मतलब बैंग हेयर मंगाना एक मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये जो है ना तो आगे के हेयर कटाना नहीं मांगती है, ये इसी तरह से हेयर रखती है, इसको बिल्कुल भी फेस के ऊपर हेयर पसंद नहीं है। मगर मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसके थोड़ा सा हेयर फेस पर रहे। तो जब तक छोटी थी तो मैं काट देती थी, बट अब बड़ी हो गई तो कटवाती नहीं है, इसलिए मुझे मंगाना पड़ा है। तो अभी लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाना है। तो ये देखिए, इस तरह से होते हैं, ये आपने देखे भी होंगे, इस तरह से है, पास से देखिए इस तरह से इसका लुक है। शायद ना समझ में आ रहा होगा कैमरे में इतनी अच्छी तरह से। तो ये चलिए देखते हैं कि देखिए, पहले इस पर इस तरह से अंदर एक क्लिप दी हुई होती है ये, और इसको ऊपर की साइड यूं करके ही लगाया जाता है। जैसे ये है तो इसको ऊपर की साइड फंसाना होता है, ये देखिए। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको देख लेना है कि कितना नीचे आपको हेयर रखना है, मतलब आइज़ कहाँ तक कवर करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप पहले फॉरहेड के ऊपर बैंग हेयर को रख के सेट कर लीजिए, और उसके बाद ही जहाँ तक आपको लेंथ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ऊपर बालों के साथ अपने बैंग हेयर को टक इन कर दीजिए। तो करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉम करके हेयर को मैनेज कर दिया है, देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। तो इसका फेस आप देख सकते हो कि एकदम चेंज हो गया है। और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि इसके लिए कि ये आगे के हेयर कटा लें और मुझे ये बार बार इसके लगाना ना पड़े, प्लीज़ ये कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसके ये लगा दिए है, और अभी इसके इसको लॉन्ग हेयर बहुत पसंद है। ये देखिए, इसने अपने मनमर्जी से इतने लंबे हेयर अपने कर लिए हैं, मगर अभी भी ये छोटे हैं और इसको और भी बड़ा करना है। तो इसके लिए मैंने एक हेयर भी खरीद ली है ताकि मैं इसके लगा सकूँ। तो अभी दिखाती हूँ कि किस तरह की है। ये देखिए, इस तरह की हेयर विग है, और शायद इसके जो पहले एक मेरा वीडियो आया था हेयर विग लगाने का, तो उसमें शायद आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा जा करके। तो उसमें थोड़ा सा हेयर स्टाइल करके फिर मैंने इस विग को लगाना बताया है, बट आज सिंपली लगाना दिखाऊंगी। ये देखिए इसकी लेंथ है, इस तरह से इसकी काफ़ी लेंथ है इस तरह से। तो हेयर विग कैसी भी हो, लगाने से पहले सबसे पहले उसको आप कॉम कर लेंगे। और ये देखिए, मोटे दांत वाला कॉम भी यूज़ करना, इससे मोटा वाला भी आप करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो मेरा खो गया है, मिल नहीं रहा है। तो इस तरह से देखिए, इसको मैं कॉम कर रही हूँ पहले, और आराम से बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आराम से करने से क्या है ना कि जहाँ से इसका जॉइंट है वो टूटेगा वहाँ से, इसलिए इस तरह से करके फटाफट कीजिएगा तो आराम से हो जाता है। तो ये विग में हेयरबैंड लगा हुआ है, हेयरबैंड स्टाइल से इसको बनाया गया है, तो इसलिए मैंने हेयर को पहले पीछे की साइड डाल लिया। जो अपने खुद के हेयर है उसको ईयर के पीछे कर लूँगी, और करने के बाद सिंपली जैसे एक हेयरबैंड लगाया जाता है तो उसी तरह से बस हेयरबैंड लगा देना है। और हेयरबैंड का जो हिस्सा है उसको मैंने बैंग हेयर के ऊपर लगाया है, जिससे एकदम रियल का लुक आता है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि आपने फेक हेयर यहाँ पर लगाया हुआ है। और थोड़ा सा पीछे से कॉम कर दिया है, तो इस तरह से आप देख सकती हो कि कितना अच्छा लुक लग रहा है। और मेरी बेटी इस समय बहुत खुश है, क्योंकि उसके हेयर उसको इतने लंबे मिल गए हैं, और इसके खुद के हेयर भी इतने अच्छे खासे लंबे, लेकिन फिर भी इसको और लंबे हेयर पसंद है। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा कॉम करके मैनेज कर दिया है, और बहुत खुश है, इसलिए इसको हंसी भी आ रही है, क्योंकि मन की इच्छा पूरी हो गई है आज। ये देखिए, इस तरह का दूसरा हेयर विग है, ये देखिए इसकी लेंथ इस तरह से है, और ये देखिए इसके ऊपर की साइड इस तरह से इसमें 5 पिंस दी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, और एक ये मेरे हाथ में है। तो इस तरह की पिंस दी हुई हैं,
तो इसको किस तरह से लगाते हैं, तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको। इसको भी मैं अपनी बेटी के हेयर में लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि आपने देखा ना मेरे हेयरों की दशा, तो इसमें तो ये मैच ही नहीं करने वाले हैं इसलिए। और हाँ लगा सकती हूँ, लेकिन जब अपने बालों को स्ट्रेटनिंग करूंगी ना तब जरूर लगा के दिखाऊंगी कि मेरा लुक कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने बच्चे के हेयर में कॉम करी है और बालों का पार्टीशन कर रही हूँ। ऊपर के बालों को यानी कि आगे के बालों को ऊपर के साइड पहले टक इन करूँगी इस तरह से करके, यानी कि हाफ़ बालों को ले लिया है अलग, और जो ऊपर के हेयर है उसको मैं लपेट के ऊपर के साइड क्लचर में लगा दूंगी। और ये आप देख सकते हो साइड में इसकी बदमाशी, कि ये वाकई में कितना बदमाश है। आप देख सकते हो कितनी बदमाशी करता है, अपने दीदी के हेयर्स को खुद ही लगा ले रहा है। और अब शर्म आ गई, मैंने कुछ कह दिया तो शर्म आ गई तो साइड में चला गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने हेयर ओपन कर दिए हैं इसके। ये देखिए ये विग है, तो इसको लगाने से पहले इस तरह से फोल्ड करके मैंने पकड़ लिया, और इसको पहले अच्छी तरह से कॉम कर लेंगे, तो जिससे क्या है कि हेयर अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और कॉम जब भी करेंगे तो टाइटली करेंगे, एकदम स्लोली नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मैंने कॉम कर लिया है। और तो सारी पिनों को सबसे पहले हम खोल देंगे, देखिए इस तरह से करके आवाज आ रही होगी आपको इसमें। और अब इसको लगाने के लिए देखिए जो इसके किनारे हैं दोनों ना, तो उसको एकदम किनारे से हम रख लेंगे ताकि एकदम बराबर से आ जाए। तो इस तरह से लगाएंगे, साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे तो एकदम बराबर से लग जाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। और एक एक पिन को हम यहाँ पे दबाते जाएंगे जिससे कि ये विग यहाँ पे अच्छी तरह से जो हेयर एक्सटेंशन है टाइट हो जाएगा। तो लगाने में बहुत ही ईजी है, सिंपली है, आप इसको खुद भी लगा सकते हो। देखिए इस तरह से लगा दिया है, और इसके बाद अब जो ऊपर मैंने हेयर कर दिए थे आधे, तो उसको तो इस तरह से यहाँ पे आगे वाले हेयर्स को मैंने खोल दिया है। और खोलने के बाद पीछे के साइड करके हल्के हाथों से यहाँ पे कॉम कर दे रही हूँ, तो बाल जो है आपस में एकदम अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जा रहे हैं, तो इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। देखिए इस तरह से हेयर का लुक आ रहा है, और कितने ज़्यादा, ये देखिए आप देख सकते हो कितने थिक हेयर लग रहे हैं, और कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कुछ अलग से लगाया है, आप दूर से भी देख सकते हो। ये देखो इस तरह से है, और थोड़ी सी हेयर की क्या है ना कि लेंथ भी इससे बढ़ जाती है, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक लग रहा है। तो बस लगाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसी तरह से आप लगा सकते हो। ये देखिए साइड से, ये देखिए इस तरह से है। और इनको जो है तो लंबे बाल बहुत पसंद है, इसलिए इनके लिए सब कुछ मंगाना पड़ता है। अब इनको शर्म आ रही है जब मैं इनके विग लगाने जा रही हूँ। अब विराट को पता है कि ये वीडियो अपलोड होने के बाद सभी लोग देखेंगे, इसलिए विराट को शर्म आ रही है। और यहाँ मेरी परी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि उसके भाई को मैं ज़बरदस्ती पकड़े हुए हूँ, इसलिए वो बहुत खुश हो रही है। अब आप बताइए कि यहाँ पे मेरा विराट कैसा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है ना, है बदमाश मगर मेरा बड़ा ही प्यारा सा ये बेटा है, और बहुत ही क्यूट भी है मेरा बाबू। अब आप मिलिए मेरी न्यू बेटी से, जो अभी अभी आई है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितने प्यारी लग रहा है ना इसके हेयर, और ये बहुत बदमाश है ना, इसलिए मैंने इसके लगाए कि बहुत बदमाशी करता है। तो आई होप गाइस की वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और कॉमेंट करके ये जरूर बोल दीजिएगा मेरी बेटी को, वो बैठी है, इसको जरूर एक बार बोल दीजिएगा कि बेटा आगे के हेयर कटवा लो मामा से, फिर अच्छा लगता है। तो फिर मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।